हेलो दोस्तों, अल्फा गेमर्स की एक और न्यू माइनक्राफ्ट की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफी दिनों से हम लोग माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को इसमें एक्सप्लोर कर रहे थे और काफी चीजें हमने क्राफ्ट भी की थी, लेकिन अभी तक हम लोग नीदर पोर्टल में नहीं गए थे। तो दोस्तों, वक्त आ चुका है कि नीदर पोर्टल में जाया जाए और वहां से काफी काम की चीजें लेकर आया जाए और उसे भी एक्सप्लोर किया जाए। इसीलिए मैं आज नीदर पोर्टल अपने घर में अपने कैसल में बनाने वाला हूँ। तो चलिए उसे बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है हमारा, कैसा रहता है नीदर पोर्टल बनाने का एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले गाइस, मैं अपने कैसल का जो मेन एरिया है उसकी रूफ टॉप पर पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर ही मैं बनाने वाला हूँ इसे। मैं इस तरीके से बनाना चाहता हूँ कि इसका लुक भी काफी अच्छा आए और दूर से देखने पर ये हमें दिख भी जाए। तो इसीलिए मैं अपनी रूफ के सामने की तरफ इसे बनाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टोन ब्रिक्स है, उनको लगाकर मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा। इस प्लेटफॉर्म के टॉप पर हम लोग इसे बनाने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टॉप पर जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब मैं एक सही हाइट पर आ चुका हूँ यहाँ पर, और अब हम इस हाइट में अपने नेदर पोर्टल को बनाने के लिए पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार करेंगे, जो कि कुछ यूं होने वाला है। और यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ ब्रिक्स को। तो गाइज, हमारे ब्रिक्स फिलहाल तो लग चुके हैं, लेकिन लगने के साथ साथ अब मुझे नीचे कैसे जाना है? नीचे जाने के लिए मैंने रास्ता तो बनाया ही नहीं, मुझे कूद कर ही जाना होगा और इससे मेरे प्लेयर की जान भी जा सकती है। पर कोई बात नहीं, अब हम अपने कैसल में ही इसलिए कूद जाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ी ऊंची जगह पर, जो मेरे घर के साइड में, कैसल के साइड में जो पिलर है, इस पर कूदता हूँ। तो ये थोड़ा सा, इससे मेरे प्लेयर की कम हेल्थ खर्च होगी, क्योंकि ज्यादा नीचे कूदने के बजाय इस जगह पर कूदेंगे तो कम दूरी तक हमारा प्लेयर नीचे गिरेगा। तो गाइस, हम नीचे तो आ चुके हैं और हमारे केवल दो ही हर्ट मिस हुए, इसलिए ये फायदा हो गया। और हमारे पास खाना तो है ही है। अब असल में हमें नीचे चल के और भी प्लेयर्स को बनाना है। इसके अलावा हमें सीढ़ियां भी बनानी होगी। सीढ़ियां बनाने के बाद ऊपर जाने के लिए तभी हमें आराम हो पाएगी, वरना बार बार मुझे इसी तरह से कूद के अपनी जान पर खेल कराना होगा। तो दोस्तों, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बन चुका है, पर मैं उसे बाहर से देखना चाहता हूँ ताकि हमें अपने घर के, अपने कैसल के लुक का पता चले। तो ये तो कुछ खराब लग रहा है, ये मजेदार नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ी सी कमियां हैं, उन्हें हमें दूर करना पड़ेगा। बाहर से देखने पर ये हमारे कैसल के लुक को थोड़ा सा अटपटा बना रहा है, इसीलिए इसकी कमी को दूर करने के लिए मुझे वापस ऊपर चलना है। और यहाँ पर दोनों साइड में हमें थोड़े थोड़े स्टोन्स निकालने होंगे, तब जाकर ये सही लुक इस प्लेटफॉर्म का आ पाएगा, वरना फिर हमें मजा नहीं आने वाला। हमारे कैसल की लुक अगर खराब हो जाएगी तो मैं इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को ही तोड़ दूंगा। गाइस, लुक अभी भी थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। असल में हमारे एक तरफ स्टोन ब्रिक्स ज्यादा लगे हुए हैं और एक तरफ कम लगे हुए हैं, तो जिस साइड में कम है वहां पर हम इसे लगा देंगे और उसके बाद इसका लुक काफी जबरदस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन्हें लगा दिया है और इसमें एक और प्लेटफॉर्म था, उसे भी मैं तोड़ देता हूँ। अभी तक तो हम केवल प्लेटफॉर्म ही बना रहे हैं और सीढ़ियां भी हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, ताकि साइड से जो सीढ़ियां निकलती हुई दिख रही है वो काफी अजीब लगती हैं, तो उनसे बचने के लिए हम लोग अंदर से सीढ़ियां लगाएंगे, ताकि हम आराम से इसमें चढ़ भी सकें और ये अजीब भी ना लगे। तो गाइस, अब ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है सही हो गया। बस बाहर जो एक एरिया बालकनी की तरह निकला हुआ है, इसे भी मैं अंदर जाकर तोड़ दूंगा और उसके बाद हमारा कैसल जबरदस्त लगने लगेगा। और हमने यहाँ पर जो भी हमारा बालकनी जो निकली हुई थी उसे भी मैंने तोड़ दिया है, और अब हमारा जो लुक है इस प्लेटफॉर्म का काफी जबरदस्त आ रहा है। अब इसके ऊपर हमारा जो नीदर पोर्टल है वो बनने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। उसे बनाने के साथ साथ मुझे एक बाउंड्री भी बनानी होगी और भी कुछ चीजें बनानी होंगी, ताकि इसका लुक अमेजिंग आ जाए, क्योंकि लुक खराब हमें नहीं करना है इसका। तो दोस्तों, हमें जो अपना नीदर पोर्टल बनाना है उसके लिए फ्लिंट एंड स्टील की जरूरत भी पड़ती है, और फ्लिंट एंड स्टील मेरे पास फिलहाल तो है नहीं, तो उसे क्राफ्ट ही करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे चाहिए होंगे कुछ आयरन इंगोट्स, उनकी हमारे पास बिल्कुल भी कमी नहीं है, तो चलकर आयरन इंगोट्स को ले आते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने आयरन फार्म के पास पहुंच चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ एक फार्म अपने घर के अंदर भी बना लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे आयरन इंगोट्स हैं उनको ले लेता हूँ। और ये देखिए, हॉपर्स में हमारे बहुत सारे आयरन गोलम्स जो मर चुके थे वो पड़े हुए थे, फंसे हुए थे, तो जैसे ही मैंने इसका स्पेस खाली किया है अपने चेस्ट का, तुरंत ही हमारा स्पेस लगातार फिल होने लगा है। तो गाइस, अब हम लोग वापस चलते हैं, अपने आयरन को तो हमने ले लिया है, और सीधा चलकर फ्लिंट एंड स्टील बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास फ्लिंट ज्यादा थे और आयरन भी ज्यादा था, तो मैंने इन्हें बना लिया, पर ये लोग हमारे बैग में आ नहीं पा रहे, क्योंकि इसमें जगह ही कम पड़ गई है और हर फ्लिंट एंड स्टील केवल एक ब्लॉक में नहीं आ रहा है, इसीलिए हमें इन्हें हटाना पड़ेगा। और अपने एक चेस्ट को मैंने फ्लिंट एंड स्टील से ही भर दिया है, पर कोई बात नहीं, अब हम लोगों ने ले लिया है अपने काम की चीजें, और मेरे पास बहुत सारे ऑब्सीडियन ब्लॉक्स भी हैं, इसलिए अब हम सीधे चलते हैं और अपने नीदर पोर्टल को बनाना स्टार्ट करते हैं।
और मैं इस नीदर पोर्टल के बाहर एक बाउंड्री बनाने वाला हूँ, सैंड स्टोन वॉल लगाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने सैंड स्टोन तो ले लिया, अब इसकी सैंड स्टोन वॉल भी बना लेते हैं, इन्हें भी ऊपर लगा देंगे ताकि हमारे जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा इससे। और कुछ डोर भी हमें बनाने थे तो मैंने डोर भी ले लिया, और बटन के लिए मुझे बाहर से लकड़ी लानी पड़ेगी। और बटन के लिए जो लकड़ी हमें अपने गार्डन में मिलने वाली, यानी कि अपने वुड फार्म में मिलने वाली, तो मैंने अपने वुड फार्म से एक ब्लॉक ले लिया है। और ये विलेजर यहाँ पर क्या कर रहा है, अंदर आना चाहता है क्या? तो मैंने गेट खोल दिया, जाओ अंदर उठा, अब तुम अंदर आ गए, अब मैं गेट को बंद कर दूंगा और तुम इसी में फंसे रहोगे जब तक कि तुम इस गेट को खोलकर बाहर न चले जाओ। तो जब तक ये घर में फंसे हैं, अपना काम जो हमें करना है वो कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें जो बनाना था उससे बनाते हैं, जो कि है बटन। तो दोस्तों मैंने बटन बना लिया है ताकि हमारा जो गेट है वो ओपन हो सके, जो आयरन का गेट हम लोग लगाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और पीछे की तरफ ले जाना होगा। पीछे की तरफ ले जाने से हमारे कैसर का लुक खराब नहीं होगा और हमें काफी ज्यादा जगह मिल जाएगी। तो अब हमारा प्लेटफॉर्म बन चुका है, तैयार हो चुका है, अब हम लगाने वाले हैं ऑब्सिडियन ब्लॉक्स को ताकि हमारा जो नीदर पोर्टल है वो बन सके। सो गाइस, फाइनली हमने नीदर पोर्टल को बना ही लिया है, और इसके अंदर से मैं जाने की कोशिश कर रहा था पर मैं आर पर आ गया, यानी कि मुझे इसके बीच में रुकना है तभी मैं वहां पर पहुंचूंगा। और ये देखिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं नीदर वर्ल्ड में, और ये काफी खतरनाक लग रहा है, काफी डरावना भी है। तो इसे हम लोग को एक्सप्लोर करना है, ये एकदम उसी तरह है जैसे कि आपने देखा होगा वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स, तो उसमें जो पैरेलल वर्ल्ड होता है ये कुछ उसी तरीके का, ये उसी तरीके का पैरेलल वर्ल्ड लग रहा है। और अब हम इसमें आ तो चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर वॉल भी लगा देनी है ताकि इसका जो लुक है वो ज़बरदस्त बन जाए। और हमारा जो नीदर पोर्टल है, यहाँ से अगर कुछ कोई एनिमीज यहाँ से निकल कर आते हैं तो हमारे कैसल में ना आ पाए, क्योंकि अब इसमें से तो कुछ ना कुछ निकल कर आता ही रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया है। और डोर लगाने की तो जगह नहीं बची, मुझे ट्रैप डोर चाहिए, तो ट्रैप डोर को भी मैंने ले लिया है, उसे जाकर ऊपर लगा देंगे। ट्रैप डोर को लगाने की वजह से जो हमारा ये नीदर पोर्टल है ये पूरी तरीके से हमसे अलग हो जाएगा और हमारा जो कैसल है वो शायद सेफ रहेगा, आई होप। तो इस तरीके से हम बटन के थ्रू इसे खोल भी सकते हैं ट्रैप डोर को, और ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है। सो गाइस, आयरन का ट्रैप डोर नहीं बल्कि मुझे किसी और लकड़ी का ट्रैप डोर को यहाँ पर लगाना होगा। सो गाइस, अब हमारा नीदर पोर्टल बन चुका है और हमने सक्सेसफुली नीदर वर्ल्ड में जाके वापस भी आ गए हैं। केवल चेक करने के लिए मैं गया था कि ये काम कर रहा है, कैसा लग रहा है। तो लेकिन यहाँ पर जब मैं कैसल के बाहर से देख रहा हूँ तो इसका लुक थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अटपटा लग रहा है, इसीलिए उसे सही करना होगा। और मैंने वॉल के चारों तरफ टॉर्च लगा दी थी ताकि ये और भी लुक को एनहेंस कर सके, पर यहाँ पर जो नीदर पोर्टल है मुझे थोड़ा सा इसे साइड में बड़ा करना है। चलिए इसे बड़ा करते हैं। वैसे जो हमारे ऑब्सीडियन ब्लॉक्स होते हैं वो डायमंड के पिकैक्स से भी जल्दी नहीं टूटते, और किसी पिकैक्स से तो खैर टूटते ही नहीं है, डायमंड पिकैक्स से भी अगर आप इसे तोड़ेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अब तोड़ना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। तो हम इसे तोड़ते हुए नीचे चलते हैं जल्दी से, और अब हमारा जो लुक है वो काफी जबरदस्त आने वाला है। अब हमारा जो ये नीदर पोर्टल है ये और भी बड़ा हो चुका है, बड़ा होने के साथ साथ इसका लुक भी अब अमेजिंग आ रहा है। तो गाइज, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे नीदर वर्ल्ड में और वहां को और उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।